वार्ड नंबर 1 के लोगों की ओर से बिजली के होने वाले लगातार कटों को लेकर के रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार बिजली के बिलों को तो भेज देती है लेकिन बिजली को देना नहीं याद रखती, जिसके चलते लोग परेशानी में हैं और सरकार उनकी इस परेशानी को खत्म करे। भैया मैं आवासी कानपुर चौक 7 नंबर गली रहने वाला हूँ। भाई पिछले एक हफ्ते सर भैया प्रॉब्लम आ रही है लाइट की, ट्रांसफार्मर लगा बार बार शॉर्ट होता, लोड होने ज़्यादा करके ना लोग बहुत परेशान है। तुम देख ही लिया जो लोग पब्लिक बाहर परेशान घूम रही है सड़क पर, रात का टाइम है देखो सकते हो कि बच्चे भी बाहर सड़क पर घूम रहे हैं, जनानी भी घूम रही है। साड़ी पंजाब सरकार अगर पहल हैगी उम्मीद करने पंजाब सरकार को कहने कि जी साड़ी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्द हल करे। सर इस टाइम असं एक्सजीएन साहब को फोन कर रहे हैं, जई साहब को फोन कर रहे हैं, एसडीओ को फोन कर रहे हैं, सर कोई साड़ी सुनवाई नहीं कर रहा। कई ने साड़ी कंप्लेंट की है, उन्होंने फाइल मैसेज आ गया कि कंप्लेंट सॉल्व हो गई है। ये मेरे नाल के साथी खड़ोते सर, उन्होंने मोबाइल से भी तुम देख सकते हो कि यह समस्या आ रही है। सर साड़ी पंजाब सरकार अगे ही मांग है जी साड़ी प्रॉब्लम साड़ी चलती पी है जल्दी जो हल की जाए, लोगों को नजायज दी जाए। सर लोड ज़्यादा होने करके सर ये ट्रांसफार्मर सर पिछले 20 सालों से इतना ही चल रहा है, मगर आबादी के हिसाब से इतने लोड बढ़ा देना चाहिए। ये बार बार सर 100 का ही वाट का ला के ना अपना पला झाड़ रहा सर, जबकि इतनी 200 का लगना चाहिए। सर सर कंप्लेंट सर कह देंगे वो सिरे ठीक आ जाते घंटे बाद सर पटाका पैन तो फिर मैसेज सोल्व करके भेज छे कि सोल्व हो गई ढी कंप्लेंट। सर ये सर मेरे साथी है इन्होंने आया हुआ सर, तुम चैक कर सकते हो। आप जी मैं विशाल हाँ, मैं खानपुर चौंक के वासी हाँ। मैं राती प्रॉब्लम आई सी, राती 12 बजे तो कॉल करना शुरू किया, पहले तो उन्हें कॉल नहीं चकी जो उन्होंने वैबसाइट के नंबर मैनशन से, ठीक है जी। 4:30 बजे जाके ना कॉन्टैक्ट होना शुरू होया, सवेरे बिजली घर भी गए हाँ, उत्थे भी कुछ आउटपुट नहीं आई। भाजी हुई इतने ठीक करने आए जी 12:30 से 1 बजे, ठीक है जी। 4:30 बजे जाके सिचुएशन जो आ कुछ आउटपुट आई सू, ठीक है। 4:30 बजे बिजली आई, 4:30 से 5 बजे बिजली आई है, फिर 9:30 बजे सेम कंडीशन, फिर पटाका पै गया, फिर तो सेम कंडीशन। तुम देख लो कोई भी जो दो पिछले भाजी हफ्ते तो सेम कंडीशन आ, पर हूँ तो नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से सेम कंडीशन चलती भी आ। और कई बार कह चुके हैं कि इतने अगर लोड ज़्यादा वा, अगर घर ज़्यादा वा, खपत ज़्यादा बिजली है, तुसी लोड बताओ। कई बार रिक्वेस्ट पा चुके हैं अभी, इतने 50-60 तो वध घर जो प्रभावित हो रहे हैं, और सब की इको मांग आ। और इन्हू क्लीयर कट बोलिया वा कि इनू बधाओ जी लोड, बट फिर भी सरकार चलो जो मुलाजम आँदी उही नहीं सुनते पे, सरकार तक तो गलबात पूछनी है, मुलाजम ही नहीं सुनते पे साड़ी, उन्होंने कहो कुछ और तो कर दे कुछ और। उन्होंने इन्नी रिक्वेस्ट की शिखर तो पहले लगे रहे, अं भी नाल लगे हाँ, ऐ नहीं है कि जो लगे अं नहीं नाल से, अं भी नाल मोटे मोटे जोड़ के खड़े ही उन्होंने काम कराया नाल प्रॉपर, बट फिर भी हूँ कह रहे जी अं नहीं आना, हूँ अं ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, हूँ अं सवेरे आवेंगे। हूँ दसो कल भी रात नहीं सुता कोई बंदा, तो हूँ भी सेम कंडीशन आ। भाई मैं संगीत शर्मा बोल रहा अपने गली नंबर 6 चो। मैं सर तुम एक रिक्वेस्ट करना चाहना, जो तुम मेरी जो भी तुम मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहना, उस तो पहला मैं रिक्वेस्ट करना तुम एक बार कैमरा उधर घुमा के दिखाओ कि किस तरह मतलब कि लेडीज़ या जो बच्चे जो देखो कि मतलब कि घूम रहे हैं, और रात को 10 बजे 11 बजे का टाइम है, और कल भी कंप्लेंट हुई जिदा मेरे जिदा गुआढ़ी ने बच्चे दसिया कि कल भी कंप्लेंट की, और 18 घंटे बाद लाइट आई है, 18 घंटे बाद आके 2 घंटे लाइट आई, फिर वही सिचुएशन आ गई। हुण अज भी देखो यही हाल है, ये मतलब कि अपरोक्स कोई 10-12-15 साल तो सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, और प्रॉब्लम कितने आ रही है कि जिदा पहला घर है गए 20-25, हूँ घर हो गए ज़्यादा, हूँ ये मतलब कि जो भी इंप्लॉई है उन्होंने मैनेजमेंट करनी चाहिए कि अगर पहला जिन्हें घर से अगर पहला 100 वार्ड से ऑबवियस है, एक कहीं छोटे रूम क्लासरूम की गल ही करिए बच्चे की, अगर एक क्लासरूम में 20 बच्चे है, अगर हूँ क्लासरूम से बच्चे बढ़ रहे तो ऑबवियस गल है कि 2 पार्ट से डिवाइड होना पेगा, है ना, ता कि बच्चे की एजुकेशन वधिया होए। उही हूँ इतने यह चीज़ देखनी पैनी है कि प्रॉब्लम की आ रही है, दिन अपना काम करना है, राती इधर सड़कों पर घूमना है, दसो की करेंगे कल। और मोर ओवर जो भी इन्वर्टर्स है कोई भी चीज़ हैगी है 18-18 घंटे का बैकअप कोई भी नहीं देगा, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब अनऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो ये देखो गवर्नमेंट या किसी चीज़ की रिस्पोंसिबिलिटी नहीं हैगी, ये रिस्पोंसिबिलिटी होती इंप्लॉइज़ की जो कि वो मैनेजमेंट कर। तो सर यही मेरा मैसेज है कि जो भी जल्दी हो सकता हल, और मोर ओवर जोड़ा ये 100 वार्ड का, जिस तरह मेरे फ्रेंड्स ने पहले दसिया कि 100 वार्ड का हैगा, और 220 वार्ड का जो भी कोई हैगा मीन टेक्निकली वी डोंट नो, है ना, तो वो चीज़ को सॉल्व किया जाए, दैट इज़ द बेटर वे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और
फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।